वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हेल्दी हेल्दी डेजर्ट फ्रूट कस्टर्ड बनाएंगे। इतना टेस्टी बन के तैयार हुआ था फ्रूट कस्टर्ड। अब समर में तो बहुत ज़्यादा बनाते हैं इसको, रमज़ान स्पेशल, रमज़ान में भी ज़्यादा बनाते हैं इसको कस्टर्ड। चलो बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई चढ़ाई थी मैंने, उसमें डाला है 3 कप दूध, आधे लीटर से भी ज़्यादा है 1 कप। कोई भी दूध ले सकते हैं आप। ये देखिए, एक उबाल आने देते हैं, उसके बाद ऐड करेंगे 1 कप शुगर। 3 कप दूध लिया है मैंने और 1 कप शुगर लिया है, चीनी। अच्छे से फिर चला लेंगे, एक उबाल आने देते हैं। ये देखिए उबाल आ चुका है, एक 5 मिनट मैंने पका लिया है। उसमें डालेंगे वेनिला एसेंस, आप स्किप भी कर सकते हैं, इसका बदले इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं आप। ये थोड़ा सा दूध, ठंडा दूध लिया है मैंने, उसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर। 3 कप दूध के लिए 3 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको दूध में ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम या तो बंद रखें या तो मीडियम फ्लेम पर कर लें। कस्टर्ड पाउडर ऐड करते हैं डन, क्योंकि इसमें गांठियाँ भी बन सकती हैं, लम्स भी बन सकते हैं। ज़रा ज़रा ऐड करेंगे और चलाते जाएंगे चम्मच से। ये देखें अब बचा हुआ भी ऐड कर देंगे। उसको भी पका लेंगे 5-10 मिनट। कस्टर्ड पाउडर अब भी ऐड किया है हमने, इसको ज़रा पका लिए तो। ये देखें गाढ़ा होता जा रहा है हमारा कस्टर्ड। ये देखिए अच्छे से गाढ़ा होता नज़र आ रहा है आपको। अब गैस को बंद कर देंगे हम। इस तरीके से बनाए आप, रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो मत भूलें फ्रेंड्स। ये देखिए इसको ठंडा कर लेंगे हम रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद फ्रिज में रखेंगे 1 घंटे के लिए। ये देखिए ठंडा हो चुका है हमारा कस्टर्ड, कस्टर्ड मिल्क। ये देखिए फ्रूट्स, ग्रेप्स, एप्पल, मस्क मिलन, बनाना ऐड किया है मैंने चॉप करके। कोई भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं आप। मेरे पास यही चीज़ें थी अवेलेबल, मैंने यही ऐड की है। ये देखिए सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। बनाना मैंने बोला था, अब ऐड करेंगे इसमें बनाना। ये देखिए फ्रेंड्स सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें।